हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट ओम्बरे केक। इसमें 3 फ्लेवर्स के केक होंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना ये, और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसे कढ़ाई में बनाया। और ये भी वो भी विदाउट एग, बिना अंडे के ही इतना सॉफ्ट और टेस्टी केक बना। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप उसे देख पाएंगे। और इसे बिल्कुल फ्री है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है, इसमें रखेंगे मिक्स स्ट्रेनर। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। और इसे सीव कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल, 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस या फिर सिरका भी आप ले सकते हैं वाइट वाला, 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे हम इसमें। और इसे मिक्स करते जाएंगे। आप मिक्सिंग के लिए स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जो बैटर है वो हमारा रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, नहीं ज़्यादा पतली है, नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। और 1 कप दूध में से इतना दूध बच गया है, 2 बड़े चम्मच। और अब इस बैटर को हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। तो 1 को हम ऐसे ही रहने देंगे प्लेन वनीला, और 1 में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है, कोई लम्स नहीं है इसमें। और इसके बाद हम दूसरे में डालेंगे 2 बड़े चम्मच चॉकलेट सिरप। ये जो चॉकलेट सिरप है ये मेरा होममेड है, मैंने इसे बना के बॉटल में भर लिया है। और आप इसकी जो रेसिपी है वो देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी इसका। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए ये भी बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बन के रेडी है। ये हो गया है। इसके बाद हम लेंगे केक टिन। यहाँ पर मैंने 1 केक लोफ लिया है, आप किसी भी केक टिन में इसे बना सकते हैं। इसे हम ग्रीस कर देंगे ऑयल से या फिर बटर से, और फिर इसे डस्ट कर देंगे थोड़े से मैदे से। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम इसमें नीचे में डालेंगे कोको पाउडर वाला बैटर, पूरा डाल देना है हमें। इसके बाद इसे अच्छे से टैप कर दें। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट सिरप वाला बैटर, इसे भी आप हर तरफ फैलाते हुए अच्छे से डाल दें। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लास्ट में वनीला केक का बैटर। इसे अच्छे से टैप कर दें, जैसे कि जो भी एयर बबल्स है वो रिमूव हो जाएंगे। और गैस पर मैंने कढ़ाई 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। तो इसमें रख देंगे ये केक टिन, और इसे हम कवर करके 40 से 45 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो 40 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं हम टूथपिक से। तो टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए केक जो है वो ठंडा हो गया है, अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं।
तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। ये देखिए, विदाउट एग और विदाउट ओवन बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।